Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. और साथ ही श्री राम मंदिर के लिए निर्माण के लिए एक भव्य रैली निकाली गई थी, उसके बारे में जानकारी दी। चतुर्वेदी जी हमें बताएंगे। बहुत सुंदर रहा भाई, आज आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला इस प्रांगण में, और हम सबके सम्माननीय, इतना ही नहीं पूरे भारतवर्ष के सम्माननीय देवकी नंदन जी ने आज जो ये काम किया है, ये भारत भूमि के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। आज हम लोग शिवसेना से जरूर बिलोंग करते हैं, और चलिए यहाँ भाई सुरेश जी, भाई विक्रम प्रताप सिंह जी जो कि उनके साथ में स्वामी जी के साथ लगे रहे, उनके छोटे भाई हमारे शिवा सिंह जी हैं, और हमारे त्रिपाठी जी हैं, अरविंद जी हैं, ये साथी के मिश्रा जी हैं, रवि उपाध्याय जी हैं, भैया सुरेश जी हैं जो कि यहाँ के उत्तर भारतीयों के सरदार हैं शिवसेना में। आज का ये माहौल देख करके हमें ऐसा लगा वीरा बाइंदर नहीं, हम संपूर्ण भारत के लोगों के बीच में आज हम लोग खड़े हैं, और आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं जो आज इतनी बड़ी यात्रा में एक मंदिर के लिए देवकी नंदन जी ने जो काम किया है ये अविस्मरणीय है, ये कोई आदमी भूल नहीं सकता। जय श्री राम, जय श्री राम। आपसे ये सवाल करूंगा, यहाँ पे जो ये रैली का आयोजन किया गया था, रैली मीरा भाईंदर में थी, तो आपको ये लगता है कि इससे सरकार जागेगी? बिल्कुल जागेगी। पहली बात मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग को सौभाग्य मिला क्योंकि प्लानिंग पहले से थी। हमारे साथ राइट हैंड देख रहे गजेंद्र त्रिपाठी जी जो इस कथा के संरक्षक थे, और पिछले वर्ष की जो कथा हुई थी प्लानिंग में पहले से था। और दूसरी चीज देखते कि हम लोग ने इसकी मीटिंग बुलाई गई थी प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम था, उसमें हमने विक्रम भाई को बुलाकर उसकी मीटिंग करा के हमने सुनियोजित ढंग से और व्यापक तरीके से किया जा सके। और दूसरी चीज, हर पार्टियों का आह्वान किया गया था, मगर इसमें शिवसेना ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, सबकी हमने मीटिंग बुलाई। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो देवकी नंदन जी से विक्रम भैया को मैंने मीटिंग कराई, हमने कहा कि कराया था कि हमारे दोनों राम लखन विक्रम प्रताप सिंह को शिवा से, इन्होंने अयोध्या की पावन धरती पर 24-25 तारीख को जो आयोजन किया था ऐतिहासिक था, यही कहा कि मैंने गुरु जी से मिलवाया था जो हमारे विश्वविख्यात संत है, और देवकी नंदन जी उन्होंने फिर हम लोगों ने इसकी रणनीति बनाई। ऑलरेडी ये रणनीति पहले से थी कि 13 तारीख तक कथा संपूर्ण हुई, और 14 दिन हमको भजन का और ये रैली का आयोजन करना था, इसको तक व्यापक ढंग से किया जा सके। और मीरा भाईंदर नहीं, ये जो रैली निकली है, जो विशाल आयोजन निकला है, तो पूरे हिंदुस्तान को जगाने के लिए, जैसे मुख्यमंत्री ने मन से आह्वान किया कि अब हम सबको जागना है और हम सबको कहना है कि भैया अब हम राम मंदिर जो बनाएगा उसको वोट देंगे, चाहे जो भी पार्टी हो, सबका हम साधुवाद करते हैं, सबका नमन करते हैं, और अगर पार्टी अब नहीं जगेगी तो कभी नहीं जगेगी। और ये भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग बार बार कहते हैं जैसे कि नारा था हमारे परम श्रद्धे उद्धव ठाकरे जी का कि पहले मंदिर हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार, ये अपने आप में वर्ल्ड में फेमस हुआ है, क्योंकि मैं अयोध्या में भी था, 24-25 तारीख को सरकार तो जगी है और उसी का परिणाम है, तीन दिन आप देख रहे हो, और उसके साथ साथ और सवर्णों का बहुत बड़ा योगदान रहा है आज के रैली में भी। दूसरी चीज ये कहूंगा कि आने वाले भविष्य में अगर सरकार नहीं जगी तो बहुत ही शुभ घड़ी। विक्रम सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रम सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे देख रहे हैं हमारे भाइयों का जो संविधान है, हम तो भाई हैं, और हमारे कुछ भाई शिवसेना में है, कुछ भाई बीजेपी में है, कुछ भाई हर जगह है, मगर जो शिवसेना ने आज दिखाया बहुत ऐतिहासिक दिखाया है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही बीजेपी ने गद्दारी किया है, पूरे देश से गद्दारी किया है, इसमें देखिए बीजेपी कोई बात नहीं होती है। आज बीजेपी जाती तो पूरे देश में बीजेपी छाई हुई है, मंदिर वहाँ निश्चित बनता, किसी के माई के लाल में ताकत नहीं था कि मंदिर को रोक लेता। आज बीजेपी ने देश के लिए दोहरा नीति अपनाया है, और अपने मुद्दे के लिए उन्होंने मंदिर नहीं बनाया, नहीं तो काश आज हम लोग इतना मरते नहीं। हम उत्तर भारतीय कभी शिवसेना के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आज हम उत्तर भारतीयों का समूह इतने बड़े पैमाने पर शिवसेना में प्रवेश किया है, वो अगुवाई भाई सुरेश दुबे जी की है, विक्रम प्रताप सिंह जी की है,
क्योंकि आज हम उत्तर भारतीयों को लेकर के एक साथ में मीरा भाईंदर नहीं पूरे महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। शिवसेना अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में मंदिर बनवा करके ये स्वराक्षर अपना नाम लिखवाएगा। शिवसेना हमारे साथ में है उत्तर भारतीय शिवसेना सेल के अध्यक्ष श्री सुरेश दुबे जी, आइए इनसे बात करते हैं। सुरेश जी हमें बताएंगे यहाँ पे बीजेपी नहीं आई तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये जो विशाल रैली हुआ इसमें सिर्फ शिवसेना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस बारे में जानकारी दें। ये परम श्रद्धेय गुरु जी का आशीर्वाद शिवसेना के ऊपर है और हमें रहेगा भी आशीर्वाद। हिंदुत्व की नाम पे जाने जाने वाली पार्टी शिवसेना हर समय बढ़ चढ़ हिस्सा लेती है, बीजेपी इसलिए नहीं लेती, उनका राम मंदिर का एक मुद्दा छिन जाएगा। हम लोग राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश सरकार लाए, हमारी पार्टी समर्थन दे रही है, हम लोग हर ढंग से मंदिर के पक्ष में हैं और मंदिर बनना चाहिए, इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। हम जिस देश में राम के देश में रहने वाले हम राम को अपनी एक जगह नहीं दे पा रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। हमारी पार्टी केंद्र में जरूर साथ में है लेकिन हमारी पार्टी साथ साथ बार बार कह रही है आप अध्यादेश लाइए, हम समर्थन दे रहे हैं, अब अध्यादेश न लाने के कारण अब आप लोग बखूबी जान रहे हैं। और आप लोग न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब सरकार को अध्यादेश आना चाहिए बिना देर किए हुए, ये लास्ट उनका सत्रकालीन चल रहा है इसमें अध्यादेश नहीं लाया जो हाल इनकी तीन रातियों हुई है, आगे जाकर के इनके लिए बहुत देश में हो जाएगी, देश की इसकी हाँ हो जाएगी। तो आपका ये कहना है कि जो तीन राज्यों में इनकी करारी हार हुई बीजेपी की इसके पीछे राम मंदिर है, राम मंदिर और SC ST का जो इन्होंने सभी धन प्रेमियों का भी उन्होंने अवमानना किया हुआ है और SC ST का सबसे बड़ा विरोध था और सवर्ण के ऊपर जो इन्होंने प्रहार किया उस प्रहार से सभी सवर्ण दुखी हैं। अब शिवराज जी भी पता चला, उन्होंने एक मंच से बोला भी था कि हमें सवर्णों कोर्ट नहीं चाहिए, अब उनको मालूम पड़ गया कि सवर्ण क्या है और आगे आने वाले समय में भी अभी हम लोग बहुत कुछ करेंगे इनके साथ में, लेकिन अगर ये मंदिर उनका अध्यादेश लाते हैं तो आगे हमारी पार्टी अयोध्या से आगे आने वाले समय में जो इलेक्शन है तो आपकी पार्टी उसमें समर्थन करेगी या नहीं? ये बड़े लोगों की बात है, उसमें हम हमारे पक्ष में जो भी डिसीजन लेंगे हम लोग कार्यकर्ता हमारे साथ है अयोध्या से अभिनव सिंह जी, आइए जानते हैं इनसे कि अयोध्या में क्या हाल है। अयोध्या में अभी आप जानते हो बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया, बहुत बड़ा जनाधार सरकार का इशारा दिया, सही है 800 करोड़ हिंदुओं का देश अयोध्या में राम मंदिर बनाना है और ये मुद्दा लेकर बीजेपी पिछले कई वर्षों से जैसा आप जानते हैं 90 के दशक से वो ठगी कर रही है और आज शिवसेना इसीलिए खड़ा हुआ कि पहले मंदिर और फिर सरकार और हमारे आदरणीय यहाँ के थाने के उप जिला प्रमुख थे विक्रम प्रताप सिंह जी का अगुवाई था, वहाँ पे दुबे जी थे, चतुर्वेदी जी थे, उनके भाई शिवा सिंह जी भी थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ गया और यहाँ आज क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी की पूर्व भारतवर्ष के अच्छी कथावाचकों में से एक है और उनका भी यही जनादेश और यही कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा, नहीं तो कभी नहीं, और इतना अच्छा जनादेश जहां बीजेपी का सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी है, इतने बड़े बहुमत से हैं और फिर भी बहानेबाजी, तो ये बहाना अब नहीं चलने वाला है, ये जनादेश आदरणीय जो कि हमने कथावाचक है उन्होंने दिया और उद्धव साहब वहां जाकर ललकारे हैं और अयोध्या में तो बहुत अच्छा जनादेश आया है पूरा देश और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि तीन राज्यों में सरकार गिरी है और वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के कारण, क्योंकि आप हिंदुत्व के कारण से वोट मांगेंगे और सरकार के सामने आकर नहीं खड़े होंगे, अगर हिंदुत्व के लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा, इसके लिए वहां सरकार गिरी, अब उनको चेतना होगा और नहीं चेतेंगे तो हम शिव सैनिक और हम जो हिंदुत्व के अग्रज हैं उनको चेताएंगे और अगर नहीं चेतेंगे तो सरकार गिरेगी, केंद्र से भी जाएंगे और इसी के साथ शिवसेना हमेशा हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार।